और व्यापारी संगठन मेरे पास लगातार आ रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि व्यापारियों ने पूरी जिंदगी भाजपा को पूरी शिद्दत के साथ साथ दिया, भाजपा को डोनेशन भी देते हैं, जम के वोट भी देते हैं, एक तरह से भाजपा व्यापारियों की पार्टी मानी जाती रही है। लेकिन अब मोदी सरकार से व्यापारी बहुत ज्यादा नाराज हैं। जिस तरह से मोदी सरकार ने पिछले 4-5 साल के अंदर व्यापारियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, पूरे देश के अंदर आज अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठा हुआ है। लोगों की एक के बाद एक जो नीतियां रही मोदी सरकार की, नोटबंदी की, जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर पूरे व्यापारी वर्ग में, व्यापार में, बिजनेस में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। अभी नोटबंदी का असर खत्म भी नहीं हुआ था कि अचानक उन्होंने बिना तैयारी के जीएसटी लागू कर दिया, और जीएसटी ऐसा जो किसी की समझ में नहीं आ रहा। और दिल्ली के अंदर तो पिछले साल 2 साल से जो सीलिंग चल रही है, उस सीलिंग की वजह से न जाने कितने रोजगार खत्म हो गए हैं, कितनी दुकानें बंद हो गई हैं, कितनी फैक्ट्रियां सील हो गई हैं, कितने मार्केट बंद हो गए हैं। तो आज व्यापारी वर्ग अपने आप को पूरी तरह से अनाथ महसूस कर रहा है। आज व्यापारी वर्ग बीजेपी को छोड़ के कहीं और जाना चाहता है। मैं आज दिल्ली के व्यापारियों से अपील करना चाहता हूं, आपने अभी तक मोदी जी का साथ दिया, आपको क्या मिला? अब केजरीवाल का साथ देके देखो, केजरीवाल अंतिम सांस तक तुम्हारे साथ रिश्ता निभाएगा। दिल्ली में चारों तरफ सीलिंग मची हुई है। हम लोगों ने कोशिश करके जहां जहां संभव हुआ सीलिंग रुकवाई है। अभी फिलहाल का केस मायापुरी का है। मायापुरी के अंदर जब सीलिंग होने वाली थी, सीलिंग चालू हो गई थी, तब हमने कोर्ट में पूरी कोशिश करके उस सीलिंग के ऊपर स्टे लेके आए हम लोग। कल रात को मैं उन लोगों के बीच में था और मायापुरी के जितने दुकानदार हैं और जितने व्यापारी हैं और जितने लोग हैं, वो सारे बेहद शुक्रगुजार महसूस कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार के प्रति। तो मैं आज दिल्ली के सभी व्यापारियों को भरोसा दिलाना चाहता हूं, 7 सीट आम आदमी पार्टी की दे दो, दिल्ली के अंदर मैं सीलिंग रुकवाऊंगा आप लोगों की। हमारे हाथ मजबूत करो केंद्र के अंदर, हम दिल्ली के व्यापारियों का साथ देंगे। आज केंद्र सरकार ने व्यापारियों पे आतंक मचा रखा है। एक तरफ केंद्र सरकार सारी एजेंसीज को इस्तेमाल करके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, राजनीतिक विरोधियों को तो तंग कर ही रही है, चलो वो तो करने, मेरे ऊपर रेड कराती है, मनीष जी पे रेड कराती है, सतेंद्र जैन पे रेड कराती है, चंद्रबाबू नायडू को परेशान करती है, ममता बनर्जी को परेशान करती है, सभी राजनीतिक विरोधियों को परेशान करती है। लेकिन उसके अलावा पूरे देश के अंदर आज इनकम टैक्स और ईडी, इनके जो नोटिस पूरे देश के व्यापारियों के पास जा रहे हैं, मतलब हजारों लाखों की संख्या में नोटिस जा रहे हैं, रेड हो रही है, और वो सारा पैसा वसूली के लिए हो रहा है। एक तरह से टैक्स टेररिज्म पूरे देश के अंदर छाया हुआ है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा व्यापार और पूरी की पूरी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। ये आतंक किसी भी देश को आगे नहीं ले जा सकता। ये डर किसी भी देश को, अगर पूरे व्यापार जगत के अंदर इस किस्म का डर पैदा रहेगा, ये किसी भी देश को आगे नहीं ले जा सकता। जो गलत काम करे उसको पकड़ो, लेकिन सारे लोगों को नोटिस भेज के एक ऐसा माहौल मत बना दो कि सारे व्यापारी चोर हैं, एक ऐसा माहौल मत बना दो कि सारे उद्योगपति चोर हैं। 99% लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको सिस्टम मजबूर करता है। सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, ना कि सारी
एजेंसीज को उनके पीछे छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे दिल्ली के अंदर सीलिंग जहां जहां हमसे संभव हुआ हमने कई जगह सीलिंग रुकवाई है। मायापुरी का सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है। तो मैं सभी व्यापारियों से अपील करना चाहता हूं कि आप आम आदमी पार्टी का साथ दीजिए। आप केजरीवाल के साथ आओ और फिर देखो केजरीवाल आपका कैसे अंतिम सांस तक साथ निभाता है, रिश्ता निभाता है। कुछ व्यापारियों से जब बात होती है उनके मन में अजीब दुविधा है। वो कहते हैं जी मोदी ने बर्बाद कर दिया, मोदी ने दुकान बंद कर दी, मोदी ने रोटी छीन ली, मोदी ने पेट पे लात मारी है, तो पूछो वोट किसको दोगे? वोट तो मोदी को देंगे। ऐसे कुछ व्यापारी हैं जो कहते हैं क्यों दोगे जी, राष्ट्रवाद। मैं उनको कहना चाहता हूं मोदी जी का फर्जी राष्ट्रवाद है, मोदी जी का राष्ट्रवाद धोखा है। उन्होंने एक माया जाल बना लिया है मोदी जी ने, एक पूरा मीडिया उनके साथ है। मोदी जी गंगा आरती करते हैं तो उसका लाइव टेलीकास्ट होता है। तो मोदी जी ने एक छदम राष्ट्रवाद का पूरा माया जाल बना दिया है। मैं व्यापारी पढ़े लिखे हैं, व्यापारी समझदार हैं, व्यापारी इंटेलिजेंट हैं, उनसे कहना चाहता हूं इस माया जाल के परे जाके देखो तो आपको सच्चाई नजर आएगी। मोदी जी जगह जगह कह रहे हैं जाके आतंकियों के घर के अंदर घुस के मारा, और आतंकवादी कह रहे हैं मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाओ। इमरान खान कह रहे हैं कि मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाओ। तो मैं सारे व्यापारियों को कहना चाहता हूं कि वो जरा सोचे तो सही कि इमरान खान मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाह रहा है। मोदी जी के पाकिस्तान के साथ सीक्रेट रिश्ते हैं, गहरे रिश्ते हैं, अंदरूनी रिश्ते हैं। उसके ऊपर जब प्रश्न उठाए जाएं तो मोदी जी मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करवा देते हैं। क्या ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने देश के चुने हुए मुख्यमंत्री, राजधानी के मुख्यमंत्री पे हमला करवाए, वो प्रधानमंत्री राष्ट्रवादी कैसे हो सकता है?